मेरा ही नाम परशुराम वर्मा है। मैं अपने परिवार में सिर्फ तीन हूँ और दो मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम सुंदर और छोटे बेटे का नाम लाखन। मैं अपने परिवार में जब तक मेरे बेटे मुझे मिल नहीं लेते तब तक कोई भी काम नहीं करते। खैर इतनी समय हो गया, मैं बैठ के इंतजार करता हूँ। कहिए तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। मेरे लाल सुंदर, आज तुम्हारा भाई लाखन बहुत देर में आ रहा है और मेरे लाल जब तक तुम दोनों को देखता नहीं हो तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। मेरे लाल हमेशा अपने साथियों के साथ खेला करता है, आज आने दो, आज उसकी जम करके पिटाई करूं। अरे नहीं नहीं मेरे लाल, सुनो मेरी बात। अरे मेरे लाल, मेरे लाल, अरे मेरे लाल, मेरे आँखों के तारे, मेरे लाल, से संपर्क करें। धन्यवाद। जब तक लाखन, जब तक तुम दोनों को मैं देखता नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। ये तो आज कॉलेज जाने में इतने समय कर दिया, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो एक दिन मेरा ही नाम रोशन करोगे। डैडी
दरअसल बात ये थी कि वो जो अर्जुन चाचा है वो कुछ काम के लिए आए थे, मैंने कहा डैडी इसमें नहीं है, थोड़ा सा काम उनका था, मैंने उनका कर दिया। चलो अच्छी बात है, लेकिन डैडी जी मैं ये क्या देख रहा हूँ पिताजी, बचपन में माता साया सर से उठ जाने के बाद आपने हम दोनों भाइयों को पाल पोस करके सयाना कर दिया, पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बना दिया है, हम दोनों भाई आपके घर में आता हूँ, हम दोनों भाई आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है पिताजी बताऊं? कहिए मेरे लाल। स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है से देख रहा हूं कि आपकी ये सेहत जो दिन पर दिन है ये डाउन होती जाती है, इसलिए भैया सुंदर डैडी लाखन ये प्रधानी आई हुई है, आप अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं करते, सिर्फ प्रजा के बारे में ही सोचा करते हैं। अरे मेरे लाल, प्रजा के बारे में मैं कतई भी नहीं सोचता हूँ, आप चिंता मत करो मेरे लाल, मैं तुम्हारे दोनों के लिए ही जी रहा हूँ संसार में। ये तो सच बात है, लेकिन डैडी मुझे तो वो बात ही भूल गया, आपको मालूम होना चाहिए डैडी आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आप तो जानते हो कि हमारे कोई सगी बहन नहीं है, इसलिए डैडी जो सकीना बहन है वो हमको अपना सगा भाई मानती हो, जात और धर्म की वो हमारी तो नहीं है, लेकिन डैडी वो मुझे अपना सगा भाई मानती है और मैं उसे अपनी बहन मानता हूं, और डैडी जब तक मैं उसके पास नहीं पहुंचूंगा और हम दोनों भाइयों को नहीं देखेगी तब तक वो पानी तक नहीं पिएगी, इसलिए डैडी समय काफी हो रहा है, हम दोनों भाइयों को इजाजत दो और मैं जा रहा हूं अपनी सकीना बहन से अपनी कलाई पर राखी। क्यों नहीं मेरे लाल, हम दोनों भाइयों का इंतजार कर रही हो, जरा भी देर कर दिया तो सकीना बहुत गुस्सा जाएगी, इसलिए टाइम भी हो चुका है,
और जाओ। समझ लो हम दोनों भाइयों को काफी पापड़ मिलने। अगर वो गुस्सा हो गए तो तुम दोनों के हाथों में कभी रहना की नहीं। सच कह रहे हो, इसलिए बहुत देर नहीं हो, बहुत जल्दी से जाना और बहुत जल्दी वापस घर आ जाना। मेरे लाल आ भैया, मुझे भी क्या करना चाहिए, इन दोनों का इंतजार करना चाहिए। चल के मैं इन दोनों का इंतजार करता हूँ, राखी बना के आएंगे, उसके बाद कोई काम भी। प्रधान जी, मुनीम जी, आज अचानक हमारे दरवाजे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वचन नहीं तोड़ा, इसलिए मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ प्रधान जी। आखिर ऐसी कौन सी बात, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं आपसे कुछ कहूँ, लेकिन कहना पड़ेगा। जानते हो कहना क्या चाहते हैं? कहो मुनीम जी, ऐसी कौन सी बात है? प्रधान जी, मैं आपसे जरूर कहूंगा, और नहीं बात कहने जो
जनता का पैसा है। जनता का पैसा? जी हाँ, वो गांव वालों का पैसा है 15 लाख रुपया, और उन्हीं को मिलेगा। परशुराम वर्मा, अरे वो जनता का पैसा नहीं, ये तुम्हारी भूल है। वो मेरे दोस्त ठाकुर रणवीर सिंह का पैसा है जो तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हुआ है। और जानते हो परशुराम, ठाकुर रणवीर सिंह से इनकार करने वाले का नतीजा क्या होता है? नेम जी, ये मत भूलो कि मेरे चौखट पे हो। अरे वो जनता का पैसा है, जनता को मिलेगा, उसमें की तुम्हें एक छोटी कौड़ी भी नहीं। मेरे दोस्त के खिलाफ आवाज, अगर परशुराम वर्मा अगर जरा भी मेरा दोस्त के खिलाफ आवाज उठा या इनकार किया तो समझ उठे की चाय। परशुराम वर्मा, मैं तुम चलाई झगड़ा करने नहीं आया हूं, इसलिए मेरी बात कान खोल के सुनाओ। तो सोच ले पाजो ठाकुर का ये हुक्म है, सोच ले ठाकुर का ये हुक्म है, ये इनकार तेरे लिए काल है, इसलिए मान जाओ। अरे हमारा गांव वो जो इस गांव में रहना, अगर तुम हमारे चौखट पे नहीं आते, अरे तुम्हारा दोस्त रणवीर सिंह आता तो इतने जूते निकाल के मारते तो उसका सर गंजा हो जाता। मेरे दोस्त को गालियां, अरे मुरैब कौशल कुमार के सामने। परशुराम वर्मा, अगर मेरा दोस्त मुझे आदेश दिया होता तो तुम्हें मैं मौत के घाट उतार चुका होता। मेहरबानी नहीं, मेरे सामने मेरे दोस्त को गालियां दे रहे हो। परशुराम वर्मा, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमने इस समाज के अंदर मेरा अपमान किया है। मेरा अपमान जो आज तक कनौजा गांव के अंदर मुझे कौशल कुमार को कभी किसी ने अपमान नहीं किया, और तुमने आज मेरा अपमान किया। आज तो मैं जा रहा हूं परशुराम वर्मा, लेकिन आज की दिन और तारीख नोट कर लो। मैं नोट कर लूंगा। पैसा दे। अरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी हाँ, आज का दिन और तारीख नोट कर लो। आज जी भले समाज के अंदर हम प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं उस पर पिता परमेश्वर के, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, मुझे जूते दिखाओ, मेरे दोस्त को गालियां दिया अपने। परशुराम वर्मा, अगर तेरे खानदान को, अगर तेरे खानदान को मैं खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा भी नाम मिलन कौशल कुमार। हराम जाता आए तो 15 लाख रुपए लेने, अरे वो जनता का पैसा है, जनता का मिलेगा, उसमें की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मुनीम। अरे मेरा ही नाम परशुराम वर्मा है, हराम ज्यादा चलता हूं। मैं अपने दोनों बेटों का इंतजार करता हूं, देखता हूं ये लोग क्या करेंगे। दोस्तों आइए, ये ठहरे परशुराम प्रधान। दोस्तों परशुराम प्रधान के दो बेटे हैं सुंदर और लखन, लेकिन इनके कोई बेटी नहीं है, केवल दो बेटे हैं। और परशुराम के एक दोस्त इसी गांव में रहते हैं जिनका नाम है जुम्मन मियां। जुम्मन मियां को उनके अल्लाह पाक ने केवल एक लड़की दिए हैं, कोई लड़का नहीं। ये ठहरे हिंदू, जुम्मन मियां मुसलमान। लेकिन दोस्तों ये दोनों लोगों का ऐसा दोस्ताना है कि ये साबित नहीं पड़ता है वो मुसलमान और ये हिंदू है। इसलिए परशुराम प्रधान के जो लड़के हैं, ये दोनों लड़के जुम्मन मियां की लड़की से हर साल राखी बंधवाते हैं। ऐसा भोले भले हैं
कि दोनों बच्चों को यह नहीं मालूम पड़ता हमारी सगी बहन नहीं है, और सकीना को यह नहीं मालूम पड़ता है कि हमारे सगे भाई नहीं है। आप देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों के सामने झुम्मन मियां पेश होते हैं। सकीना है और इस गांव में पोत हमर कोई ना है, एक हमारे बहुत खास मित्र है, मित्र ना ही समझ लो हमर भाई। हम चार तो मुसलमान ठहरे लेकिन वो एक वर्मा बिरादरम है जिनका नाम परशुराम है। समझ ले हमारा इतना याराना है कि का बताई भैया, जले हम उनका एक झलक देख ना लीत, जले वो हमका ना देख लेत, तले समझो लो लाल कि खाना तक नसीब पूत नहीं होत। लेकिन का बताई सुबेरे से ख्यातम काम करते करते इतना समय हो गवा, लेकिन अब अबहू तक हमारी बिटिया सकीना के यहाँ तनि क्यों हमारी लाल नहीं चलता, अबहू बिटिया सकीना ना आई। और बताओ बात क्या क्यों नहीं है बेटी सकीना पुत, हर बात हो लाल तुम जिद भी कराई लगती हो पुत, अरे कुछ ऐसे बातें पुत होती है जो लाल ना पूछा। अबू बताओ ना। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो इस संसार में मेरा कौन है जिसे बताऊंगा।